आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल बुधानी ब्लॉग में। और आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो बहुत दिनों के बाद मैं आज एक नया ब्लॉग अपलोड करने जा रहा हूँ, तो इस ब्लॉग को ज़रूर देखें। और तो इस ब्लॉग को ज़रूर देखें। और अभी हम अब गए हैं अपने होम टाउन में उत्तराखंड। तो एक शादी में आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर छोटा सा एक ब्लॉग बना लेता हूँ और अपने दोस्तों को जो है अपना उत्तराखंड का जो नेचर है उसको दिखा सकूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी उत्तराखंड में मौसम एकदम नॉर्मल है और ना ही ठंड है ना ही ज़्यादा गर्मी है। तो अभी यहाँ पर धूप जो है बहुत ही तेज़ निकली हुई है, मॉर्निंग टाइम है तो एकदम क्लीन धूप आती है और ठंडा भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं है अभी, लेकिन थोड़ा रात को और थोड़ा सुबह को ज़्यादा ठंडा होती है, बाकी दिन में बिल्कुल नॉर्मल है। देखो मैं अभी टी शर्ट पर ही हूँ, ये ठंड नहीं होती है इसकी वजह से। ये हमारे गांव है, यहाँ पे थोड़ा सी दूर में हमारे यहाँ पे घर है और मैं घर से थोड़ा दूर आया हुआ हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं अपनी हमारी वीडियो में यहाँ की सुंदरता को देख सकते हैं, यहाँ के कल्चर वगैरह सब चीज़ें देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ का सुंदरता, धूप लगी ये हमारे गाय और बैल बड़ी घास में गए हैं। चलो आप चलो कहाँ घुस गए, यहाँ देखो ये हमारे बिनुआ, चलो यहाँ क्यों आए। और वो है हमारा कवर, गॉड मैं गिर गया था। ये है हमारी कबूली नीचे वाली, तो मैं इनको ले जा रहा हूँ भगा के उधर, कोई भी कहीं गलत जगह आ गए हैं, मैं उजाड़ आ गए हैं। उजाड़ का मतलब समझ रहे होंगे जो उत्तराखंड के लोग हैं, बाकी तो लोग नहीं समझ पाएंगे। अगर यहाँ गाय आ जाते हैं फिर उनको पेनल्टी भी लगती है। इस तीनों ने मेरे को थोड़ा परेशान किया, इनको मैं थोड़ा भगाऊंगा। चल गए हो, अभी जाने का नाम नहीं लेते, अभी कहीं इनको कुछ खाने के लिए मिल जाए तो कैसे भागते हैं। तो अभी आ गए हम अपने खेतों में, और ये मेरे चाचा का खेत है, वो अभी करंट में दिल्ली में रहते हैं। देखो ये खेत ने पूरा बांझ कर दिया है, मैंने इसमें की खेती पाती नहीं करते हैं, छोड़ के चले गए सब, दिल्ली शहरों में बच गए। ये अभी स्टार्टिंग केवल एक ही खेत है, ऐसे इनके बहुत सारे खेत हैं यहाँ। और दिल्ली में एक प्लॉट लेने के लिए लोग तरस जाते हैं, पर यहाँ पे जो है ऐसी जमीन अपनी सारी जो है छोड़ रखी है। और ये है किलमौड़ का पेड़, ये गर्मी के सीजन में फूटता है, इसमें फल आते हैं, तो बहुत टेस्टी होता है, अभी खट्टा मीठा। अब तो इसमें कांटे कांटे हो रखे हैं, लेकिन इसमें कांटे भी बहुत होते हैं। तो अभी मैं पहुँच गया अपने घर से थोड़ा सा दूर, और वो सामने देखो हमारा घर है, नीचे वाला हमारा है और ऊपर वाला हमारे ताऊ जी का है, देख सकते हैं आप। वो भैंस भी देखो वहाँ पे हैं ताऊ जी के घर पे। और यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको हिमालय का नज़ारा, हमारे घर से जो है हिमालय भी दिखता है एकदम साफ, आप देख सकते हैं कि हम कैसी जगह रहते हैं उत्तराखंड में। देखो यह हिमालय, फिर से मेरे गाय एक बार वहाँ से भाग के इधर आ गए, तो फिर इनके पीछे जाना होगा कि कहीं नीचे ना गिर जाएं, तो इनको ऊपर को लाना होगा। देखो तीन हैं लेकिन ये बहुत परेशान करते हैं। और वो देखो हमारा है प्राइमरी स्कूल नीचे, यहाँ से हमने 5 से पढ़ाई करी है।
ये प्राइमरी स्कूल है। और तो सामने जो आपको जो सबसे डाउन में दिख रही है वो है नदी, विनोद नदी। और वो है देखो दोस्तों आगे देघाट का मार्केट, थोड़ा जूम ज़्यादा हो गया। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।